करते हैं, स्वागत करते हैं। आस्था के माध्यम से देख रहे सभी श्रद्धालुजनों का, सभी भक्तजनों का विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से जो पावन गंगा बहती है, जो देश देशांतर को मोहित किए हुए है, पवित्र किए हुए है, उसी का अगला सोपान आज हम सभी बद्रीनाथ धाम में है। बोलिए बद्री विशाल धाम की। प्रभु बद्रीनाथ जी के पावन चरणों में मां अलकनंदा की पावन वैतरणी के पास आज बापू जी के मुखारविंद से हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आनंद लेने के लिए यहां पर देश देशांतर से एकत्रित हुए हैं। कोई गुलबर्गा से आए हैं, कोई बेंगलोर से है, कोई हैदराबाद से है, तो कोई सात समंदर पार अटलांटा से यहाँ पर पधारी हैं। आप सभी का हम विश्व कल्याण मिशन परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज प्रथम दिवस है कथा का। मैं आप सभी से अपील करता हूं, आप सभी से विनती करता हूं कि जल हाथ में लेकर आज ये एक मन में प्रण कर लीजिए कि अगले आठ दिवस तक, जी हां, अगले आठ दिन तक हमें बापूजी के साथ जुड़े रहना है और बापूजी के श्रीमुख से जो परम पावन वचन निकलते हैं उन वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपने जीवन को उस परम पावन उद्धार की ओर लेकर चलना है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले हेमलता जी गुप्ता, जो अहमदाबाद से पधारी हैं। कृपया बापूजी को प्रणाम करें। सावित्री देवी जी, प्रेमलता जी से भी निवेदन, बापूजी को प्रणाम करें। कृष्ण गोपाल जी सेठी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आप भी प्रणाम करें अपने स्थान से ही। इंदु जी राणा भी अपने स्थान से प्रणाम करें। आइए हम सभी प्रथम दिवस की मंगल आरती में शामिल होते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भवमय हारिणे, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति पर आत्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परम हर्ष मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस राश विलासिनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा
किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति गान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति गान खान हो आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के बोलिए भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। हम सभी अलग अलग देश के कोने से यहाँ आज बद्रीनाथ धाम में एकत्रित हुए हैं परम पूज्य बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा गाने का श्रवण करने हेतु और आस्था के माध्यम से आप सभी भी अपने घर पर बैठे बैठे इस परम पावन कथा का आप सभी आनंद लेंगे अगले 8 दिवस तक। आज हम बद्रीनाथ में हैं। कहते हैं सतयुग का धाम कहा गया है बद्रीनाथ को, उत्तर का वो धाम जो जहाँ भारत को चारों धाम एक करते हैं ना, वहाँ सबसे ऊपर उत्तर में बद्रीनाथ धाम जहाँ स्वयं प्रभु विष्णु ध्यान मुद्रा में यहाँ पर विराजित हैं और जहाँ देश देशांतर से लोग आते हैं बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। और हम उसी परम पावन तीर्थ में बैठकर इस कथा का आनंद लेकर सिर्फ छोटा मोटा पुण्य नहीं कमा रहे, हमने कई जन्मों का पुण्य आज कमा लिया है जब बापू जी के मुखारविंद से तीर्थ में बैठकर हम सभी कथा का आनंद लेने के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं। आस्था के माध्यम से देख रहे सभी श्रद्धालुजनों से मैं एक विनती करना चाहूँगा। आप सभी को भली भांति विदित है कि बापू जी ने एक संकल्प लिया है कि जहाँ एक ओर सनातन धर्म की जो पताका है, विजय पताका है, वो सिरमौर रहे, सबसे ऊपर रहे, वहीं मेरे देश का हर एक बच्चा भी साक्षर बने, बच्चा पढ़े, बच्चा अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, सुसंस्कारित जीवन अपना बच्चा जिए वैदिक रीति से। और इसकी ओर बापू जी अपने कदम बढ़ा रहे हैं हम सभी को साथ लेकर। मैं आप सभी से अपील करता हूं, हम सभी कथा का आनंद भी लेंगे और अपनी ओर से उन बच्चों के लिए जितना संभव हो सके सहयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि बापू जो बातें कहते हैं ना वो सीधे हमारे दिल में उतरती है। और उनकी यह सीख है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिए। हम अपने बच्चों के साथ उन बच्चों का भी कल्याण करें। इस परम पावन बद्री विशाल धाम से बापू जी का यही आप सभी को एक पावन संदेश हमेशा रहता है। तो मैं आप सभी की ओर से, आस्था के माध्यम से देख रहे सभी श्रद्धालुजनों की ओर से और यहाँ विराजित सभी भक्तजनों की ओर से बापू जी के श्री चरणों में यह विनती करता हूँ, कोटिश अनुनय करता हूँ कि हमें आज प्रथम दिवस की उस कथा की ओर ले चले, हमारे इस जीवन को, इस इह लोक को ही नहीं हमारे परलोक को भी सुधार दे। जोरदार तालियों से हम सभी विनती करेंगे परम पूज्य बापूजी राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापूजी से। कृष्णात् परम्
किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीद्वारिकाधीश की श्री बाल कृष्णलाल की श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजुमन नंद नंदन यदुवरं श्री कृष्ण चंद्र आनंदमय सुखराशि व्रजपति भक्तजन संकट हर आनंदमय सुखराशि व्रजपति शिरमुकुट कुंडल तिलक पुरबन माल कौस्तुभ सुंदर शिर आजानु भुज पट पीत धर कर लकुटी मुख मुरली धरम श्री कृष्ण वृषभानु दास राजहि प्रिय सुमन सुभग सिंहासन वृष ललिताधि सखी जन सेवही लिए छत्र चामर व्यंजनम श्री कृष्ण क्षमा करतु केली कालिंदित
तट नट नागरं श्री श्याम सोई रूप ममहिय बसहुनीत आनंद घन सुख सागरम श्री कृष्ण इति वदति संत सुदान श्री सनकादि मुनि जन देवितं इति वदति संत सुदान श्री सनकादि मुनि जन भवभीति हर मम दीनबंधो जयति जय सर्वेश्वरं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षाद परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षाद् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वन्दहु कृष्ण चंद्र अविनाशी वंदहु चंद्र अविनाशी वंदहु कृष्ण चंद्र अविनाशी वंदहु भगत विपति भंजन सुख राशि भगत विपति भंजन सुख राशि वंदहु कृष्ण चंद्र विनाशी वंदहु जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूं गुरु देव की नाई जय
जय हनुमान गोसाई वंदौ कृष्ण चंद्र विनाशी कृष्ण विनाशी कोलीवाल कृष्णलाल की श्री द्वारिकाधीश की। आइए मन की पवित्रता हेतु भगवत नाम स्मरण कुछ समय के लिए भाव और श्रद्धा से सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण सब गाइए हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
हरे 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 कृष्ण तालियां बजाते हुए प्यार से श्री राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे वो राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे
भोले बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अम्बे मातु की, गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने बोधेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण और उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम सब के लिए परम सौभाग्य का अवसर है। पिछले 2-3 महीनों से जो इंतजार था इस धरा पर पहुंचने का, वो इंतजार खत्म हुआ और जिस रस को पीने के लिए हम सब आतुर थे अब वो समय आ गया भागवत अमृत पीने का। एक साथ यहाँ कई अच्छे संयोग बने हैं, स्वर्ग के विषय में जब हम लोग सुनते हैं तो मन में कल्पना होती है, हाँ स्वर्ग कैसा होगा। आप यहां अपनी आंखों से नजारा देख लो, स्वर्ग ऐसा ही होगा, कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं, ऐसा ही स्वर्ग होगा। ये बद्रीनाथ भगवान की विशाल वादियां, ये पहाड़ियां, और हम सब लोग इनकी गोद में बैठे हुए हैं। नारायण पर्वत, नर पर्वत, उर्वशी पर्वत, गरुड़ पर्वत, नीलकंठ पर्वत और स्वयं साक्षात भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में यहाँ विराजमान हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हुए। और मैं आपको बता दूं, ये वही भूमि है जहाँ से भागवत ग्रंथ का प्रागट्य हुआ, इसी भूमि से, यहां से ही कुछ दूर पर माना गांव में वेदव्यास महाराज की गुफा है, जहां पर सरस्वती नदी के तट पर शम्याप्रास नाम के आश्रम में पूज्य श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, ये वही भूमि है। इसी भूमि से यूं कहें कि भागवत का प्रागट्य हुआ और आज हम सब लोग इसी भूमि पर उस रस का पान करने जा रहे हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राम कुमार दास जी महाराज आज प्रथम दिन से ही यहाँ उपस्थित हैं, वरना अक्सर ऐसा होता है कि 2-4 दिन के बाद 1-2 दिन के लिए आ पाते हैं, लेकिन आज प्रथम दिन से ही मैंने हरिद्वार में निवेदन किया कि महाराज श्री आप हरिद्वार हैं तो वहीं चलें, हम बच्चों को आपकी छत्र छाया मिलेगी। तो बहुत
प्रेम है मुझसे गुरुदेव का, तो मुझे बताए भी नहीं और मुझे बगैर बताए शाम को मुझे फोन आया कि मैं बद्रीनाथ पहुंच गया। ये एक एक गुरु का भी प्यार है और एक पिता का भी प्यार है। महाराज श्री यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे गुरु भाई भी रामदयाल बापू पधारे हुए हैं, छोटे गुरु भाई हैं, रिश्ते में मेरे भतीजे शिष्य लगेंगे, अयोध्या से पधारे हुए हैं और हमारे कई कई संतगण, पंकज भाई पूज्य बापू जी के साथ संगीत टीम में साथ देने वाले, तबले पर पूज्य पंकज जी और यूएसए से जॉर्जिया से पधारी हुई इंदिरा बहन और भारत के अनेक अनेक प्रांतों से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, कई कई और उधर महाराष्ट्र से और सभी प्रांतों से, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बंगाल से भी, यूपी से भी, हाँ पंजाब हिमाचल, राजस्थान उड़ीसा, पूरे हिंदुस्तान, अलग अलग शहरों से, अलग अलग भूमि से पधारे हुए। व्यासपीठ से मैं कथा शुरू करूं उसके पहले मैं आप सब की श्रद्धा को हमारा नमन वंदन है, क्योंकि आप सब की श्रद्धा ही यहां आपको खींच करके ले आई है, वरना श्रद्धा न होती तो इस भूमि पर आप पहुंच न पाते। कल जिस तरह से रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई कई भक्त लोग तो मुझे ही डांट रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, अपनों को ही डांटा जाता है। आप मुझे डांट भी रहे थे ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार था, मैं उसको आपका प्यार समझता हूं। दोनों ही स्थिति में आंसू आते हैं, बहुत प्रेम में भी और बहुत दुख में भी, हाँ, और यहां आकर के अश्रुपात होना ही चाहिए। अब वो किसी की मर्जी है, सुख में रोए दुख में रोए, अब तुम्हारी मर्जी है। और खासकर कहूं तो मेरा संकल्प था, मेरी इच्छा थी ऐसी कि एक बार फिर से, जैसे कि तीन या चार साल पहले यहाँ कथा हुई थी हमारी व्यासपीठ के द्वारा, तो बद्रीनाथ भगवान को मैं जाते जाते प्रार्थना करके गया था, मेरे आँख में आंसू भी थे उस वक्त कि प्रभु अब कब बुलाएंगे। तो यहाँ से जाने के बाद अक्सर यहाँ इस भूमि की याद आती थी, तो मन में इच्छा होती थी कि फिर प्रभु ऐसा संयोग बनाए और फिर से आना हो। मैं चर्चा कर रहा था तो हमारे मयंक भाई और ओम प्रकाश जी सब लोग बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि बापू हम रखते हैं बद्रीनाथ में कथा, और इन लोगों के संकल्प का परिणाम आज ये साकार हुआ, आप सब यहां पहुंच पाए। तो इस भूमि पर पहुंचकर, इस भूमि पर आकर अब अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं प्रार्थना करूं, यहां अब मैं देख रहा हूं कि आप सभी के चेहरे पर हंसी है, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो नाराजगी थी ना इस रस को पीने के लिए थी, हाँ अब ये रस मिल गया है। श्री राधे श्री राधे। तो ये रस पीने के लिए आप लोग आतुर थे, तड़प रहे थे, क्योंकि आप 21 तारीख से 20 तारीख से हरिद्वार आए थे और आपको ये रस पीने को नहीं मिला था,
मुझे एक एक सज्जन कह रहे थे कि बापू हमको तो आपकी मस्ती यहाँ खींच कर लाए। मुझे मेरी मस्ती, चलो गा लो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, 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 जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने जय हो सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, ओ हो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, राधे मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा होता था कि आप घर में बैठकर गाते थे, हाँ, जहाँ ये गाना इतना सटीक नहीं बैठता था, लेकिन यहाँ सटीक बैठ रहा है, यहाँ आपके सिवा और कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 ये मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
इस मस्ती को पीने के लिए आप बेताब हो रहे थे, वो मस्ती अब यहां से आरंभ हो रही है। भागवत अमृत जिसको पीने के लिए बहुत किस्मत चाहिए, क्योंकि क्षणो त्रैव सदुर्लभ कहा गया कि भागवत का एक क्षण भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, हमें अपने शहर में नहीं मिल पाता है, फिर यहां हिमालय की धरती पर आकर सुन पाना, यह साक्षात उसकी कृपा नहीं तो और क्या है प्यारे। हाँ, अभी यहां आने से पूर्व 2-3 दिन पहले मौसम इतना बिगड़ा हुआ था, रास्ते में बारिश, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन कल हम लोग आए तो इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, रास्ता खुला हुआ मिला आया। और अक्सर ऐसा होता है कि जोशी मठ से हम लोग शाम को 5 बजे के बाद क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन उसमें भी ठाकुर की कृपा हुई और सज्जन लोग मिले और हम सबको निकाला। सारे संयोग बनते चले गए। हाँ, तो जब इतनी उसकी कृपा है तो मैं एक प्रार्थना और कर लूं कि थोड़ी बहुत यदि उसकी कृपा में कमी है प्यारे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि यहां ये तपस्वियों की भूमि है, आप निश्चित विश्वास मानिए, यहां रहने वाला तपस्वी है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में अनेकानेक तपस्वी आज भी विराजमान है। आप कभी रात्रि के समय विचरण करने निकलिए तो कई ऐसे तपस्वी हैं, यदि आपका भाग्य है तो आपको दर्शन हो सकता है, कई ऐसे तपस्वी हैं। तो ये तपस्वियों की, ये तपस्थली है, तपस्वियों की भूमि है, यहां केवल तप के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जहां इतनी सर्दी के मौसम में पानी भी इतना ठंडा है, हाँ, हवाएं भी इतनी सर्द चल रही हैं, मौसम भी इतना भीगा भीगा सा है, ये तपस्वियों को भी भूमि है प्यारे। और मैं पिछले दोनों कथाओं में, तीनों कथाओं में, जब इसके पहले टीवी पर कथा हो रही थी आस्था चैनल पर, तो मैंने लगातार, जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको कहा था कि यहां बैठकर एक दिन की यदि कथा श्रवण करते हैं आप तो 10,000 भागवत कथा श्रवण करने का फल आपको प्राप्त होता। और इस भूमि पर यजमान बनकर यदि कोई कथा करवाता है तो 10,000 वर्ष हिमालय की तलहटी में तपस्या करने का जो फल मिलता है वो इस एक यजमान बनकर के प्राप्त हो जाता है। ये पूरी की पूरी भूमि तपस्वियों की भूमि है और मैं यहां से आप लोगों को उसी रूप में देख रहा हूं। हर जो भी यहां पर भक्त बैठे हुए हैं, मेरे लिए आप सभी इसलिए आदरणीय हैं क्योंकि इस धरती पर आप पहुंच गए हैं, इस भूमि पर आप पहुंच गए हैं। भाग्यशाली हैं आप लोग, किस्मत वाले हैं और बद्रीनाथ भगवान के कृपा पात्र हैं। हमारे यहां जो सनातन धर्म में 4 धामों की महिमा है, जिसमें से मुख्य धाम बद्रीनाथ धाम, सतयुग का यह धाम माना गया, जहां स्वयं भगवान विष्णु विद्यमान हैं, उनके चरणों में हम लोग बैठे हैं। आज प्रथम दिन है भागवत कथा का, जितने लोग यहां उपस्थित हो पाए हैं, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि बापू हम पूरी कथा में नहीं पहुंच पाएंगे तो हम बीच में पहुंचेंगे, और कई लोग ऐसे भी थे कि हम शुरू में आएंगे और बीच में चले जाएंगे। तो मैंने सबको यही कहा है, आग्रह किया है कि एक दिन भी सुन लो प्यारे, क्षणो त्रैव सदुर्लभ, इस भूमि पर एक क्षण भी यदि सुन लिया जाए तो पूरी कथा का फल उसको प्राप्त होता है प्यारे। ये भूमि की ऐसी महिमा, न जाने आपके पूर्वजों ने क्या तप किया होगा,
हाँ, आपके बुजुर्गों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिसके फल स्वरूप आप यहाँ पहुँच पाए। ये पिकनिक की भूमि नहीं है प्यारे। हाँ, कदाचित ऐसा बिल्कुल कदापि मत सोचिएगा, ये कोई घूमने फिरने का स्थान नहीं। मैं तो आपको प्रार्थना यहां तक करूं कि अनावश्यक आप कमरे से निकले भी ना, क्योंकि जहां कदम रख रहे हैं हो सकता है कोई देव वहां पर बैठकर तप कर रहा हो। हाँ, यहां के कण कण में देवता विद्यमान है, अनावश्यक आप कहीं व्यर्थ घूमे भी ना, अनावश्यक आप कहीं इधर उधर थूक भी ना फेंके, क्योंकि ये बहुत पवित्र धरा है। हम जितनी इस भूमि की पवित्रता को बनाए रखें, हमारे पूर्वजों के पुण्य के कारण और हमारे कई जन्मों के पुण्य के कारण जो हमें पता नहीं है, ईश्वर को पता है, उस पुण्य का फल यह है कि हम यहाँ पहुँच पाए। वरना कई ऐसे हैं जीवन गुजार देते हैं प्यारे, इस भूमि पर पहुँच नहीं पाते। हाँ, पिछली बार जब यहाँ कथा हुई थी तो कई भक्त मुझे कह रहे थे कि बापू इस बार तो हम चूक गए लेकिन अगली बार हम जरूर चलेंगे, लेकिन हर कोई नहीं पहुँच पाए। 1600 भक्तों की एंट्री हुई थी, हाँ, लेकिन यहाँ 1600 नहीं आ पाए। केवल वही पहुँच पाए जिस पर ठाकुर ने प्रत्यक्ष कृपा किया। हाँ, आने से पहले मुझे एक बहन कह रही थी हरिद्वार में कि मैं इतनी बीमार थी, मेरी बेटी मुझे मना कर रही थी कि नहीं नहीं जाना है, लेकिन मैं किसी का साथ लेकर के यहाँ पहुँच पाई। कई कई आने से पहले भी आपको कठिनाइयाँ हुई लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पहुँच गए, ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या है। हाँ, भगवान की बहुत कृपा है हम सब पर, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वरना आज इस भागा दौड़ी की जिंदगी में कौन फिरी है। हाँ, आप लोग काम धाम छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, परिवार का मोह छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसकी कृपा ही है प्यारे, उसकी कृपा नहीं तो और क्या है। तो जब इस भूमि पर आ ही गए हैं मेरे भाई बहन, तो यहाँ से मालामाल होकर जाओ, खाली हाथ होकर ना, यहां से भर कर जाओ अपने आप को। कभी कभी जब मैं सोचता हूं इस धरती की महिमा के विषय में और इस भूमि पर मेरा आना हुआ, तो स्वतः आंख में अश्रु भराते हैं कि ठाकुर की कितनी कृपा है हम सब पर। हाँ, वरना कहां हम लोग जन्मे। इसी मार्ग से पांडव स्वर्गारोहण किए, जिन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से कृष्ण का दर्शन किया, उनके चरण इस भूमि पर पड़े। स्वयं नारद जी जहां बद्रीनाथ भगवान की पूजा आज भी 6 महीने तक करते, ऐसी भूमि पर हम लोग पहुंचे हैं प्यारे, कितना हमारा पुण्य होगा, कितना भाग्य होगा। आप कभी कमरे में बैठकर सोचिएगा उसने कितनी कृपा की है हम सब पर। जितने लोग यहाँ आए, मैं तो फिर भी हरिद्वार से आया, लेकिन आप लोग तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको हरिद्वार से भी दो दो तीन तीन दिन की दूरी से आप लोग चलकर आए, ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या है। इतनी कृपा उसकी बरस रही है प्यारे, तो फिर हम सांसारिक चीजों के लिए क्यों परेशान हों। हाँ, वो तो कृपा बरसा रहा है। ये तपस्या की भूमि है, आप तपस्या करते हुए और कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए ना, तो उस चीज का महत्व हमारे लिए नहीं होता है। हाँ, तप करके प्राप्त हो, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, बड़ी कठिनाई के बाद प्राप्त होता है, तो हमारे लिए वो चीज बड़ी प्यारी होती है। हाँ, हम उसको दिल में छुपा के रखते हैं, अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने इसको पाया। तो ये कथा मेरे भाई बहन
बहुत अनुग्रह के बाद हमारे पूर्वजों की कृपा हुई, हमारे गुरुओं की कृपा हुई, सदगुरु ने कृपा की, स्वयं ठाकुर ने कृपा की, तब ये कथा हम सबको मिली है। और जो आस्था चैनल के माध्यम से घर पर सुन रहे हैं, मैं उनको भी कह दूं कि वो भी ऐसे उदास ना हो। उनको लग रहा होगा कि बापू उनको ही लिए बोल रहे जो वहाँ पहुँचे। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप यदि यहाँ बैठे हुए इन भक्तों का दर्शन कर रहे हैं ना, तो ये दर्शन ही आपके लिए कल्याणकारी है प्यारे, क्योंकि सब तपस्वी बैठे हुए आप सभी इस भूमि पर तप करते हुए पवित्रता से, मन वचन कर्म की पवित्रता से आज एक महान संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस भागवत यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस अमृत धारा को अपने भीतर समेटने जा रहे हैं। बहुत किस्मत वाले हैं। बाबा तुलसी ने भी कहा है और मैं बाबा तुलसी की चौपाई से जरा आपकी प्रशंसा कर दूं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाव दे यही मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा। केवल कृपा नहीं, अति हरि कृपा। केवल साधारण कृपा से बात नहीं बनती है, हाँ अति हरि कृपा। भगवान की अति कृपा जब होती है तब ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। तो हम सब लोग इस अवसर को पा रहे हैं, तो अब बड़ी ही पवित्रता के साथ इस यात्रा में हम शामिल होंगे। बद्रीनाथ भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, हाँ अक्सर मैं कथा में कहता हूँ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाँ तो वो ये शेर याद कर ले और बद्रीनाथ भागवत श्रवण करने जा रहे हैं। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत दो ऐसे ग्रंथ हैं हमारे इस देश में। लोग कभी कभी हंसी करते हैं ना कि इतने सारी बेईमानियां, इतने सारे बेईमान, फिर भी भारत महान। हाँ ये ईमानदारी के कारण भारत महान नहीं कहा गया प्यारे, इन ग्रंथों के कारण और इन ऋषियों के कारण भारत को महान कहा गया। ऐसे ऐसे ग्रंथ ऋषियों ने इस देश को दिए हैं, ये खजाना है हमारे देश में, इसलिए भारत महान है। तो हमारे यहां दो ग्रंथ इतने अद्भुत हैं, रामायण और श्रीमद् भागवत, और हमारे जिंदगी के दो पहलू हैं, जन्म और मृत्यु। या तो आप जीवन को सुधार लें या तो आप मृत्यु को सुधार लें। जन्म को संवारना है तो रामायण में दर्शन कर लो, प्रभु राम को देख लो, और मृत्यु को संवारना है तो श्रीमद् भागवत का दर्शन कर लो, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लो, राजा परीक्षित का दर्शन कर लो। यदि मौत को संवारना है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक आरंभ है और एक अंत है। मरना हम सबको है, यह निश्चित है। हाँ